बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो इस वीडियो में मैं मोस्ट एंटिसिपेटेड वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से सेल्फ स्टडी के साथ सीए इंटर पास किया। तो मैं इस वीडियो में आपको सिक्स स्टेप्स थॉरली सिक्स स्टेप्स बताऊँगी जिनके थ्रू अगर आप उनमें अमल करें तो आप भी सेल्फ स्टडी के साथ कैफ पास कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वो छह स्टेप्स हैं जिनके मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, फिर किस तरह से रिवीजन, मॉक्स, एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना है, एग्जाम दिन पे क्या करना है, और एग्जाम के एग्जैक्ट टाइम जब आप अपनी टेबल पे बैठ जाते हैं तो तब क्या करना है। अच्छा, सबसे पहली बात, मैंने जो स्ट्रेटजी यूज की थी सेल्फ स्टडी के लिए, मैं यूं करती थी कि सीनियर से मैंने नोट्स ले लिए उनके हर सब्जेक्ट के। मतलब मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप एक अटैम्प्ट में तीन ही पेपर दें कैफ के। तो आपने क्या करना है, अपने सीनियर से नोट्स ले लेने हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल अब जो कैफ की नेक्स्ट अटैम्प्ट आ रही है वो है सितंबर ऑटम 2024, तो उससे पहले जो मार्च 2024 गुजरा उसके आई कैफ की रिवीजन क्लासेस, आपको पता होगा आई कैफ हर अटैम्प्ट में रिवीजन क्लासेस कंडक्ट कराता है और बहुत ज़बरदस्त क्लासेज होती हैं। मतलब एक्सप्लेन तो नहीं किया जाता उसमें एक चीज़ को, लेकिन उसे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो मैंने भी यही किया था, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप पिछले अटैम्प के आई के एफ की रिवीजन क्लासेस ले लें, सीनियर से आपसे नोट्स भी आपने नोट्स भी ले लिए, जो लास्ट काम है वो आपने अपना एक डिसिप्लिन स्टडी स्केड्यूल बनाना है डेली बेसिस का। आई थिंक आपको हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट 2 आवर्स देने चाहिए। आप उसमें नोट्स पढ़ें, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें, और एक और चीज़ ये कि आप जो थ्योरी के पेपर्स हैं जिस तरह टैक्स हो गया, कंपनी लॉ हो गया, वो आप कोशिश करें कि आप ना फर्स्ट टाइम सॉल्व किया करें, मतलब मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि उस टाइम ज़रा इंसान का जहन फ्रेश होता है तो थ्योरी याद आसानी से हो जाती है ज़रा। जबकि जो अकाउंटिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, वो आपको चाहिए कि आप वो बाद में करें जब आप थ्योरी सब्जेक्ट्स कर चुके हों। ठीक है, अच्छा, अब अगली चीज़ है रिवीजन। तो अब जैसे सितंबर 2024 आपके अटेम्प्ट आ रही है, तो आपने जुलाई के लास्ट 15 डेज और अगस्त का पूरा महीना ये आपने रिवीजन के लिए रखना है, यानी एटलीस्ट 1.5 मंथ्स आपने रिवीजन के लिए ज़रूर रखने हैं। और आपने इस तरह रिवीजन किस तरह करनी है, जिस तरह मैंने बताया आई कैप की फिर रिवीजन क्लासेज होंगी दोबारा इस अटेम्प्ट की भी, तो आपने वो क्लासेज लेनी है जिस तरह वो सर, मतलब एक दिन सर डिवाइड कर देंगे ना आपके सिलेबस को, एक दिन वो आधा फॉर एग्जांपल आधी बुक कवर करेंगे, अगले दिन अगली आधी बुक कवर कर देंगे। तो आपने ये करना है कि जिस तरह वो जो जो आप क्लासेस लें ना उसको आपको धीरे रिवाइज भी करते रहें। आपने क्लास ली, जितने चैप्टर्स पढ़े सर ने पढ़े, आपने वो उसके बाद घर आके रिवाइज कर लिए। ठीक है, तो इस तरह आपने दो दफ़ा रिवीजन करनी है अपनी हर बुक की। ठीक है, रिवीजन भी हो गई। अच्छा, आप जो मॉक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं आपकी प्रिपरेशन का, आपने एटलीस्ट आई के आपके पास पेपर्स, आई रिपीट आई के आपके 3 पास पेपर्स आपने एज मॉक सॉल्व करने हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो आई के भी पास पेपर्स होते हैं सिर्फ वही असल आई के आपके पेपर की जो टफनेस होती है, जाहिर है वो पास पेपर्स होते हैं तो वो उसी डिफ़िकल्टी लेवल पे बनाए गए होते हैं। जबकि मैंने नोटिस किया जो इंस्टीट्यूट्स अपने मॉक्स बनाते हैं वो बेशक आजकल उनकी क्वालिटी अच्छी होती जा रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि आप आई के आपके पास पेपर्स एज मॉक सॉल्व करें। और दूसरी ज़रूरी बात यह है कि आपने ये जो मॉक्स हैं ये एग्ज़ाम इन्वायरमेंट के अंदर सॉल्व करने हैं। एग्ज़ाम इन्वायरमेंट का मुराद ये है कि आपने एक टेबल चेयर अरेंज कर लेनी है, उस पर आपने अपने वाटर बॉटल, कैलकुलेटर, स्केल, रूलर, आंसर बुक और क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट लेके वो सब रख देना है, और आपने 3.5 घंटे वहाँ से नहीं उठना है। जिस तरह आई के एग्जाम इन्वायरमेंट होता है उसी तरह आपने इन्वायरमेंट बना के पास पेपर सॉल्व करने हैं, तो इससे आपको ना सिर्फ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी पास पेपर्स की, बल्कि आपको साइकोलॉजिकली भी एक बूस्ट मिलेगा जो कि आपके तैयारी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अच्छा, अब आपका एग्ज़ाम डे आ गया, एग्ज़ाम करीब आ गया, आप एक दिन रहते हैं, तो आपने इस दिन क्या करना है, एक छोटी सी टिप है जिसके आपको कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट मिलेगा, ये मैंने खुद ट्राई किया था अपने FAT2 के एग्ज़ाम में। तो आपने ये करना है कि आपने 10 मिनट निकाल के इमेजिन करना है कि आपका एग्ज़ाम डे आ गया, आप उठे हैं,
आपने नाश्ता किया, आपने अपने सारा सामान, सारे आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड सब कुछ इकट्ठा किया। आपने हर एक स्टेप सोचना है। आप फिर उसके बाद सेंटर की तरफ रवाना हुए। आप सेंटर पहुंच गए, आपने वहां पे अपनी टेबल ढूंढी जहां आपका सीआरएन था, तो आपने वहां पे आप वहाँ बैठ गए। आपने फिर आपने ये सोचना है कि आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, आपने उसको रीड किया रीडिंग टाइम में, फिर आपने उसको सॉल्व किया, तो आपने आधे घंटे में फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया फॉर एग्जांपल। उसके बाद आधे घंटे तो क्या नहीं, 15-20 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद और क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आप जितना विविडली और पॉजिटिवली आप अपने एग्जाम के बारे में सोच सकते हैं, आपने 5-10 मिनट निकाल के ज़रूर इस तरह सोचना। ये एक बहुत अच्छी टिप है जो FAI-2 के एग्जाम में मैंने मुझे पता चली थी, तो इससे मेरे कॉन्फिडेंस को काफ़ी बूस्ट मिला था, क्योंकि FAI-2 का एग्ज़ाम आपको पता है CAF का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम होता है, तो इस तरह आपने करना है। ठीक है, अब एग्ज़ाम डे आ गया। अब आपने प्लीज़ आपने अपनी 6 hours ली, एटलीस्ट 6 hours स्लीप ज़रूर लेनी है। अगर आप चाहते हैं रिवाइज करना, तो आपका बेहतरीन बेट ये है कि आप सुबह जल्दी उठ जाएं 4-5 बजे, ताकि आप रिवीजन भी एक दफ़ा फिर आखिरी दफ़ा कर लें। तो लेकिन आपने 6 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है, क्योंकि आपको पता है रात के 12 बजे से पहले जो स्लीप होती है वो एक्चुअली 2 घंटे की, 1 घंटे की स्लीप 2 घंटे के बराबर होती है। लेकिन जब 12 बज जाते हैं, उसके बाद जो अगले 4-5 फजर के वक्त तक का जो टाइम होता है, उसमें अगर बंदा सोए तो वो 1 और 1 आवर के बराबर होता है। लेकिन अगर फजर के बाद भी कोई सोता रहे तो वो नेगेटिव स्लीप शुरू हो जाती है, यानी जितना आपने सोया होता है वो उसमें से वो हर 1 घंटा आप सोते रहे, 1 घंटा आपकी स्लीप से माइनस हो गया। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप जल्दी सो जाएं, 6 hours की स्लीप मुकम्मल करें, फिर बेशक मॉर्निंग में जल्दी उठ जाएं और रिवीजन कर लें। और फिर आपने ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है, आपने ब्रेकफास्ट कभी भी मिस नहीं करना। बल्कि मैं ये सजेस्ट करूँगी, मैं खुद भी यही करती थी कि ऑमलेट लेती थी ब्रेकफास्ट में, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन नाश्ता है, और उसके साथ आप चाय कॉफ़ी ले सकते हैं। तो आपने जितना अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आपने हर एक चीज़ का ख्याल रखना है। अब एग्ज़ाम टाइम आ गया, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। तो आपने अपने आप अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखना है, और यकीन करें कि इंसान जब तक पॉजिटिव सोचता है उसके साथ पॉजिटिव ही होता है। आपने तैयारी की हुई है, ये तो नहीं कि आप मतलब ऐसे ही आ गए एग्जाम में, आपने तैयारी की हुई है, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी तैयारी पर, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखेंगे तभी आप अपना एग्जाम पॉजिटिवली सॉल्व कर सकेंगे, और तभी आप अपना एग्जाम पास भी कर सकेंगे। ठीक है, अब लास्टली मैं ये कहूँगी कि आप एग्जाम डे का एक अलार्म लगा दें, और उस पर इन सारी चीज़ों को मेंशन कर दें कि आपने अपना एडमिट कार्ड, CNIC, पेन, रूलर, कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें लेके जानी। और लास्टली ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट वाटर, ये मैं जब मैं मेरी कैफ की पहली अटेम्प्ट थी, तो AFC में तो हमें वाटर बॉटल सेंटर में प्रोवाइड की जाती थी, और मुझे लगा कैफ में कि हमें तब भी वाटर बॉटल देंगे, लेकिन जब मैं कैफ के एग्ज़ाम देने गई पहला, तो उसमें कोई वाटर बॉटल नहीं दी गई थी हमें। तो इस वजह से आपको ज़रूर पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पहला पेपर था वैसे भी मेरा, तो उसमें बंदा नर्वस हो ही जाता है। तो आपने एक इलेक्ट्रोलाइट वाटर मिलते हैं वो आपने ले लेने हैं। तो इस तरह आपने अपनी तैयारी हर तरह से मुकम्मल करनी है। तो ये थी हमारी वीडियो आज की, उम्मीद है आपको इससे हेल्प हुई होगी। चलें, कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।